हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आप सभी को हम एक न्यू जगह पे लेके जाएंगे। उससे पहले मुझे अपनी सारी पैकिंग करनी है, और मैंने अपना सारा जो भी ऑफिस का जो हिसाब किताब था, जो भी रिटर्न में करना था, मैंने सारा फिनिश कर लिया। और अभी हम दोपहर हुई पड़ी है, और हम तकरीबन शाम को निकलेंगे। शाम को तकरीबन हम निकलेंगे 7 साढ़े 7 बजे। हमारे पंजाब में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, इस टाइम टेम्परेचर आज का नोट किया गया 40 डिग्री। और हमारी ये देखो तुलसा जी हैं, कहते सूख गई हैं, बिल्कुल मुरझा गई हैं तुलसा जी। कलांजलि सभी पौधों में पानी डाल देगी और सही हो जाएंगे सब पौधे। अभी हम आ गए थे मलोट रेलवे स्टेशन पे, और मैं तो चला गया था बाज़ार, और आपसे लोगों से कहा भी था कि भाई हम अब पैकिंग करेंगे। पैकिंग एक्चुअली क्या है कि हमारी जो पैकिंग थी वो अंजलि ने कर दी, उसने बैग में सारा सामान रख दिया, लेकिन ये नहीं मालूम उसने बैग में क्या रखा क्या नहीं रखा। सारे कपड़े उसने अपने आप लगा दिए, और हम तो बस बैग उठाया और शाम को 7:30 बजे निकल गए। और अभी हमें हमारे भाई साहब जी यहाँ यहाँ छोड़ गए हैं, यहाँ बैठेंगे। इस जगह यहाँ हमने रख दिया अपना बैग, और ये हमारा मलोट का रेलवे स्टेशन। देखो मालगाड़ी खड़ी हुई है, और हमारी जो ट्रेन आएगी वो इस साइड से आएगी, श्री गंगानगर से, और इस साइड है बठिंडा, बठिंडा को जाएगी। हमारे मलोट रेलवे स्टेशन पर यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है। देखो ये वाला जो स्टेशन है ये भी ऊंचा हो गया, और उस साइड का है प्लेटफार्म वो भी ऊंचा हो गया, और हमारे यहाँ फ्लाईओवर भी बन गया जिससे कि यात्रियों को कोई तकलीफ़ ना हो एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए। ये वाली बिल्डिंग है बहुत ही पुरानी है, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आज से तकरीबन यही 40 साल से भी बहुत पुराने। इसकी ईंटें इतनी बढ़िया है कि पूछो ना, कोयले की पकी हुई हैं, बहुत पुरानी है। बहुत इंतज़ार के बाद हमारी ट्रेन आ गई है, और हम इसी ट्रेन से अब जाएंगे बठिंडा। यहाँ से मलोट से हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वो आ रही है हमारी ट्रेन हॉर्न देती हुई। चलो भाई ट्रेन आ गई, अब हम भी चलते हैं। जर्नल है इधर बैठते हैं भाई। हमें तो हमें हमारी सीट मिल गई और हम आराम से बैठ गए हैं। ये रही हमारी सीट, अब यहाँ से ट्रेन चलेगी। बस 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। खाली पड़ी है, कोई भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, सभी कोई किसी जगह कोई नहीं है। ये देखो सब खाली पड़ी है। अभी हम पहुंच गए हैं गिदड़वा, गिदड़वा सिटी।
ये गिदड़वा का रेलवे स्टेशन है। गिदड़वा रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल गई और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज था, यहाँ से भी हमारी ट्रेन निकल गई। हेलो भाई, अब हम पहुँच गए बठिंडा, बठिंडा रेलवे स्टेशन आ गया, हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। भाई बठिंडा रेलवे स्टेशन पे हम अपनी ट्रेन से उतर गए और अभी हम हैं बठिंडा रेलवे स्टेशन पर और हमें अपना प्लेटफार्म चेंज करना है। हम लिफ्ट से जाएंगे 4 नंबर पे। चादर दे आएगा इस समय हम हैं लिफ्ट पे और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर जा रहे हैं, वहीं पर 4 नंबर पे हमारी ट्रेन है। चार नंबर, इस 4 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी और ये ट्रेन चली जाएगी, उसके बाद हमारी आएगी। अभी हमने एक नमकीन ले लिया और इसी बैठ के कुछ टाइम के लिए हम अभी खाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ सही रहेगा। यहीं पर बैठते हैं और यहीं का पर बैठकर हम ट्रेन का वेट करते हैं। ट्रेन जाएगी ठीक, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी और जब तक ये बीकानेरी भुजिया हम खाकर अपना टाइम पास करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं और ये रही हमारी ट्रेन। इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और यहाँ से हम ऑटो लेंगे बस स्टैंड के लिए और बस स्टैंड से फिर हम लेंगे बस और जाएंगे मैनपुरी।